आमंत्रित किया है। ऐसे सम्माननीय सभी अतिथि भाई और बहनों, आज मैं विशेष रूप से हमारे सचिव महोदय को धन्यवाद दूंगा कि ये जो विशेष रूप से एमएसएमई सेक्टर में ये जो वर्किंग कैपिटल होता है इसमें डिले पेमेंट के कारण उसका इरोजन हो जाता है और मैक्सिमम इंडस्ट्री इसके कारण अड़चन में आती है, कोलैप्स हो जाती है। और इसी विषय को लेकर उन्होंने काफी अध्ययन किया और आज अलग अलग प्रकार के प्रेजेंटेशन सुझाव भी आए हैं और इसके ऊपर फाइनेंस मंत्री जी से मेरी बात हुई है। इन सब सुझावों पर भारत सरकार की ओर से उचित कार्रवाई निश्चित रूप से की जाएगी, ये मैं आपको विश्वास देता हूं। साधारणतः हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने की बात कही है और आज इसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारे एमएसएमई एसएमई सेक्टर की है। आज हमारे देश का जो जीडीपी है उसमें 29% ये हमारे एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन है। देश का जो एक्सपोर्ट है वो 40% एमएसएमई से होता है और अभी तक करीब 11 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। हमने ये तय किया है कि देश के जीडीपी में हम लोग 50% तक जाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ जो 40% एक्सपोर्ट है वो 50% तक ले जाएंगे और जो 11 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है उसमें हम 5 करोड़ के नए रोजगार ऐड करेंगे और इसके लिए स्वाभाविक रूप से इस सेक्टर को स्ट्रेंथन करने के लिए क्या क्या करना चाहिए इसका लगातार हम लोग अध्ययन भी कर रहे हैं और निर्णय भी कर रहे हैं। जो रिजर्व बैंक ने सीना कमेटी अपॉइंट की थी उस कमेटी ने अपने सुझाव दिए हैं और अभी मैं आते समय ही फाइनेंस मंत्री जी से मेरी बात हुई और हमने ये तय किया है कि फाइनेंस सेक्रेटरी और हमारे सेक्रेटरी दोनों बैठकर 8 दिन के अंदर सभी से विचार करके सेना समिति कमेटी के रिकमेंडेशन जो है उसके बारे में हमें तुरंत फाइनल रिपोर्ट दें और हम 15 दिन के अंदर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें। तो मेरा विश्वास है कि उसमें काफी अच्छी बातें आई है जिसका फायदा आपको होगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि वर्किंग कैपिटल का इम्पोर्टेंस, जितना व्यक्ति को ऑक्सीजन की जरूरत है उतना वर्किंग कैपिटल की इंडस्ट्री में जरूरत है और इसमें कौन डिफॉल्ट है, कितने लोग हैं, कितना पैसा है, ये बहुत एक प्रश्न जो है बहुत इम्पोर्टेंट है पर इसका उत्तर अभी किसी के पास नहीं है। मैंने बहुत बार कोशिश की कि इसमें से कोई एग्जैक्ट आंकड़ा निकल सकता है क्या, पर अभी तक ये आंकड़ा मिला नहीं है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग है, सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके अंडरटेकिंग है, डिपार्टमेंट्स है, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर के अंडरटेकिंग है और ये संख्या बहुत बड़ी है और ये हमारे ग्रोथ का एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल बना हुआ है और इसलिए इनोवेटिव मॉडल से इसमें सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। मैं भी सोच रहा था अभी कुछ दिन पहले हमारे लिए बैठे यहाँ, मैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज गया था और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में तो उन्होंने दो चीजें अच्छी मुझे पसंद आई। एक तो 20 एमएसएमई वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर हुई और अब उनको कैपिटल मार्केट से पैसा मिलेगा। तो मुझे ये बात की खुशी हुई है कि हमारी एमएसएमई या मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के भी लोग बैठे हैं और 40% हमारा एक्सपोर्ट में योगदान है और हमारी कुछ एमएसएमई काफी प्रॉफिट में चल रही है। मैंने ये भी सुझाव हमारे सेक्रेटरी को दिया है और बैंकों के लोगों को मेरा अनुरोध है कि आप चाहे उस एजेंसी के साथ पर इसका क्रेडिट एक बार हर कंपनी का क्रेडिट कोई ना कोई निश्चित होना चाहिए कि उसका उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है। अगर क्रेडिट असेसमेंट होगा तो फिर फैसिलिटी देने के लिए आसानी होगी और इसलिए ऐसी बहुत अच्छी अच्छी एमएसएमईज है उनको मैं अनुरोध करूंगा कि आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जाकर आप कैपिटल मार्केट का एक नया दरवाजा खुला है इसमें आप आगे आइए, बड़ा बनने के लिए इससे अच्छा कोई मार्ग नहीं है। और मैंने सेक्रेटरी को भी हमारे कहा है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में या जहां भी एमएसएमई कोई
ऐसे इक्विटी में उनको कोई शेयर मिलता है तो भारत सरकार की ओर से हम 10% उसको ऐड करें ताकि प्रोत्साहन देने के लिए, और उसके साथ ये अगर शुरू हो जाएगा तो एक बहुत अच्छा सोर्स आपको कैपिटल खड़ा करने के लिए मिलेगा। जो अच्छा काम करेंगे उनको और सोर्स मिलता रहेगा और आगे बढ़ते रहेंगे। दूसरा, पेमेंट के बारे में बहुत इनोवेटिव मॉडल्स लोगों ने किए, अभी सुझाव भी दिए हैं। उन्होंने उस दिन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में मुझे एक मॉडल बताया कि उन्होंने जो कंपनी को उन्होंने माल दिया एमएसएमई ने, उस कंपनी के क्रेडिट पर उन्होंने ट्राइपार्टी ये करके उसके ऊपर मार्केट से पैसा खड़ा किया, और आज उन्होंने कहा कि 9000 करोड़ बराबर है ना, 9000 करोड़ उन्होंने एमएसएमई को इससे मिला है, और जो पैसा मिला उनको 7.5% तक मिला, क्योंकि वो भी टेंडर करके उन्होंने लोअर रेट में उनको मिला। तो मेरा आपको सुझाव है कि इस प्रकार के नए इनोवेटिव मॉडल, अलग अलग प्रकार के बैंक भी इसमें अगर जाती है तो ये निश्चित रूप से इसका फायदा होगा। इसमें एक बात जरूरी है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो है गुच्छर, उनको देना है नहीं पैसा, उनके लिए क्या करना है, कोई अड़चन में है इसलिए नहीं दे रहा, समझा जा सकता है, पर माल लेना और पैसा नहीं देना, तो इन्होंने कहा था कि कोई सोए हुए हैं और कुछ लोगों ने सोने का ढोंग किया, तो इसके ऊपर कठोर कार्रवाई करनी पड़ेगी और सरकार इसके बारे में निश्चित रूप से उपाय योजना उचित प्रकार की करेगी। मैं आपको इतना ही विश्वास देना चाहता हूं कि आने वाले समय में ये सब जो दिक्कतें हैं ये कैसे सुलझाई जाए, इसके लिए सरकार काफी इनिशिएटिव ले रही है, और मैं ये मानता हूं कि इसमें से आप लोगों को भी, जैसे नया ऑप्शन आया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का भी, आप वहां भी जाइए और वहां भी आप अगर कोई ऐसी कानून में सुधार करना है तो हम करेंगे, और एमएसई में अच्छा प्रॉफिट कमा रही है। आज कोई 10 रुपए का शेयर है और उसका प्रॉफिट अगर बढ़ जाता है तो 10 का 50 का हो जाएगा, तो हमारी सरकार भी उसमें इन्वेस्ट करेगी तो हमारी भी कॉस्ट बढ़ जाएगी, वो कैपिटल और हम इन्वेस्ट करेंगे। तो मेरा आपको यही सुझाव है कि इसमें नए नए इनोवेटिव मॉडल्स जो भी बैंक के पास है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास है, आपके सुझाव के साथ है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार तैयार है। और आज जो ये जो वर्कशॉप विशेष रूप से है क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी एंड डिलेड पेमेंट के लिए, ये दो विषयों के लिए सीमित है, और इसलिए हम आगे पॉलिसी बनाने जा रहे हैं उसके बारे में आज मैंने कुछ बोलना उचित नहीं होगा। अगर आप लोगों के सुझाव, सबके सुझाव लेकर हमारे यहाँ उसका पूरी तरह से अध्ययन करेंगे, कमिश्नर है और सेक्रेटरी है, बाकी फाइनेंस मिनिस्ट्री से भी बातचीत करेंगे, और जो सीना कमेटी के ऑलरेडी रिकमेंडेशन है वो भी उसमें से आज है, इन सब बातों को और आपके हुए सुझाव को इकट्ठा करके सरकार इसके बारे में निश्चित रूप से आपके अपेक्षा के अनुरूप अच्छा मार्ग जल्द से जल्द निकालेगी, ये मैं आपको विश्वास देना चाहता हूँ। और एक अच्छी बात है कि हमारा जेम पोर्टल है, उसके साथ हम लोग हमारा एक मार्केटिंग पोर्टल, क्योंकि आजकल आपको पता होगा कि चाइना का अलीबाबा जैसा है, कितना बड़ा वॉल्यूम है उसका, फिर हमारा अमेजोन है, और हमारे लोगों केवल एमएसएमई के लिए, उनके मार्केटिंग के लिए हम भी अभी भारत क्राफ्ट उसका नाम रखा है, वो पोर्टल हम लोग जेम के साथ कोऑपरेशन में ला रहे हैं, और वो पोर्टल जो होगा उससे हम मार्केटिंग में भी वर्ल्ड में पूरे एमएसएमई के मार्केट के लिए कैसा उपयोग कर सकते हैं इसके लिए प्रयास करेंगे। दूसरी बात, जो समाधान पोर्टल है वो काम हुआ है कुछ उसमें, और उससे मेरा ही समाधान नहीं हुआ क्योंकि उसमें बहुत कम संख्या है, अभी तक प्रॉब्लम ही ठीक प्रकार से आइडेंटिफाई नहीं हुआ। तो मेरा आपसे पहला अनुरोध है पूरे देश के एमएसएमई के जितने लोग हैं उनको, कि आपकी जो भी समस्या है वो एक बार समाधान पर रजिस्टर तो करिए। मैं अभी कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ भी मैं कहने वाला हूं कि गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये भी पैसा नहीं देते, तो आप जरा सभी को कहिए, पर ये कहने के लिए अगर कोई रिकॉर्ड हमारे पास तैयार होता है तो उसका फायदा होगा कि हम उस स्टेट गवर्नमेंट को कह सकेंगे, चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखेंगे, बात करेंगे, और आखिर नहीं होता तो उसमें कानूनी प्रोविजन करके कार्रवाई भी करेंगे, पर एक बार इसका डाटा तो इकट्ठा होना चाहिए। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप जितने आपके ये प्रॉब्लम्स हैं ये समाधान पोर्टल पर रजिस्टर करके उसको हमारे पास भेजिए। एक बार ये रजिस्ट्रेशन होने से ये पता चलेगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कौन से स्टेट में,
अभी तो सेक्रेटरी जी ने मुझे बताया कि ये जानकारी मिलने के बाद जो लोग पैसे नहीं दे रहे उनके बैंकर को भी हम इन्फॉर्मेशन भेजने की व्यवस्था कर रहे हैं कि आपने जिनको फाइनेंस किया उनका ऐसा ऐसा है, इन्होंने पैसा नहीं दिया है, तो उनकी क्रेडिट भी उसमें से खराब हो सकती है। और मैं मानता हूं कि 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा कैपिटल अगर कोई है टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज से भी ज्यादा, तो कैपिटल है क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता। और धीरे धीरे सब सिस्टम जो है वो क्रेडिट क्रेडिबिलिटी पे अगर बेस करेगी, तो ये जो हमने कहा था कि 61 मिनट में लोन मिलेगा, तो जीएसटी का रिकॉर्ड था, इनकम टैक्स का रिकॉर्ड था, इसका पहला रिकॉर्ड था, टर्नओवर सब जानकारी थी, उसके आधार पर, उसके क्रेडिट असेसमेंट के आधार पर लोन मंजूर करने की बात की। तो जो अच्छा काम करेंगे, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होगा, इनकी तकलीफें कम होती जाएगी और उनको आसानी से सभी प्रकार की फैसिलिटी मिलेगी, यही फिलॉसफी उसके पीछे है। और इसलिए इस सेक्टर में सुधार करना और ग्रोथ रेट को बढ़ाना, और उसके लिए आवश्यक जो जो भी सुधार होंगे वो करने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री भी सुमोटो इनिशिएटिव ले रही है, हम भी आपकी बात उनके पास पहुंचा रहे हैं, कुछ निर्णय हमारे अधिकार में है, कुछ निर्णय उनके अधिकार में है, और हम दोनों मिलकर इफेक्टिव डिसीजंस लेने के प्रोसेस में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मैं आज के आपके इस वर्कशॉप में इतना ही आपको कहूंगा कि आज और कल आप जो भी सुझाव दे रहे हैं वो हम लिख रहे हैं, जो प्रेजेंटेशन हुआ वो हमने सब नोट किया है, जो बातें आपने रखी वो भी हमने ध्यान में दी है, और जिनको और लिखना है वो कागज पर लिखकर अपनी बात या हमारी व्यवस्था में वो भी दे दे, वो भी जरूर उसके ऊपर विचार होगा। और उसके ऊपर हमारे डिपार्टमेंट की ओर से और सरकार की ओर से आपको प्रोत्साहित करने के लिए, आपको और शक्ति देने के लिए, ताकतवान बनाने के लिए, आपके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए भारत सरकार आपके साथ खड़ी है, और ऐसे निर्णय जो आपको उपयोगी होंगे वो जल्दी ही हम करेंगे, यही विश्वास देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। के उज्जवल भविष्य को के लिए प्रतिबद्ध माननीय एमएसएमई मंत्री श्री नितिन जयराम गडकरी जी की उपस्थिति के लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उनकी उपस्थिति से हमें प्रोत्साहन मिला, उनके शब्दों से हमें प्रेरणा मिली। बस आप कुछ ही देर बने रहिए, देयर इज अ वोट ऑफ थैंक्स। आई रिक्वेस्ट श्री पीयूष श्रीवास्तव जी, एडिशनल डेवलपमेंट कमिश्नर एमएसएमई, टू प्रपोज वोट ऑफ थैंक्स।